छतरपुर में एक दलित युवक की हत्या कर उसे सड़क पर फेंक दिया गया। पुलिस मामले की तफ्तीश कर रही है। बताया जा रहा है कि इस हत्याकांड के पीछे मुआवजे का पैसा एक बड़ी वजह हो सकती है। नौगांव थाने के धुबेला म्यूजियम के पीछे एक युवक खून से लथपथ पड़ा था। इसकी जानकारी पुलिस को लगी तो पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे। मृतक युवक पास के नया गांव का तुलैया अहिरवार बताया गया है। मृतक युवक का एक हाथ कटा हुआ था और दूसरे हाथ में फ्रैक्चर और सिर पर चोट के निशान थे। मृतक के भाई ने गांव के दो युवकों पर हत्या करने का आरोप लगाया है। मृतक के भाई का कहना है उसके भाई को 4 लेन सड़क बनने पर भूमि अधिग्रहण होने पर 10 लाख का मुआवजा मिला था, शायद इसी वजह से उसकी हत्या की गई है। वो सुबह से दो लड़के उसको राजेंद्र लोहार और विजय अहरवार के साथ में आया और उन लोगों ने इसको मार के यहाँ पे फेंक दिया और उसका मोबाइल भी ले गए, उसके पैसे भी ले गए। क्या वजह है? वो वजह ये हुई कि मतलब कोई जमीन वमीन का वो होगा, उसको पैसा वैसा मिला होगा तो पैसे की वजह से इन लोगों ने उसको दारू पिलाई और फिर इसको मार डाला, यहाँ पे डाल दिया। एक युवक की लाश मिली है यहाँ पे मौसानिया में, प्राइमर फेसी शार्प ऑब्जेक्ट से उसका मतलब प्रथम दृष्टया हत्या प्रतीत हो रही है। युवक की पहचान तुलैया अहिरवार ग्राम नया गांव के तौर पर की गई है। पुलिस टीम अभी उस गांव में है और जैसा साक्ष्य प्रस्तुत हो पाएंगे उसके अनुसार हम लोग तत्काल आरोपी गिरफ्तार करेंगे। Rabindranath Tagore University, formerly known as ISECT University, the pioneers in skill development with focus on creating industry-ready professionals. Join India's premier skill-based university, Rabindranath Tagore University. संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।